नमस्कार। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के अंतिम चरण में होने वाला जो मतदान है वो 12 दिसंबर को है। दरभंगा जिला के हम कुशेश्वर स्थान में हैं। कुशेश्वर स्थान प्रखंड के इस वक्त मसानखोन पंचायत में है। मुखिया के प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद है, हम उनसे आज जानेंगे, क्योंकि विगत आज 10 तारीख है, 10 दिसंबर है। आज से ही शाम 5 बजे के बाद से प्रचार प्रसार पूरी तरह से थम जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उनके बाद से कोई भी प्रत्याशी अपने मतदाता के पास नहीं जाएंगे, वोट नहीं मांग सकते, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। और जो लगातार इस वक्त डोर टू डोर जनसंपर्क चला रहे हैं, तो इनके बारे में पहले जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, आप अपना पहले पूरा परिचय दे दें। सर, सबसे पहले आपका चैनल के हमारी तरफ से स्वागत है। सर, मेरा नाम लालमन कुमार पासवान हुआ। मेरी पत्नी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही है। सर, मेरा घर मसानखोन हुआ। जो मेरा छाप मिला है वह सर बैगन छाप है, जो क्रमांक संख्या 6 पर है। अच्छा लाल मोहन जी, आपके पास मेरा आने का सबसे पहला उद्देश्य ये था, आप पेशे से एक ग्रामीण चिकित्सक हैं और वैसे भी आप जनता की सेवा कर रहे हैं, फिर चुनाव क्यों? सर, हम ग्रामीण चिकित्सक रहते हुए और हम यहाँ कोरोना काल में जो सेवा दिए जनता को, तो जनता हमको उतार हुआ कि आप चुनाव में आइए और लड़िए। और हम चुनाव हम नहीं, मेरा जनता लड़ रहा है, मेरे पूरे पंचायत वासी लड़ रहा है। और हम इस कोरोना काल में बिना मास्क का और बिना ग्लव्स का जो सेवा दिए, जो कोई सेवा सुविधा नहीं रहते हुए भी हम इसको सेवा दिए पूरा पंचायत वासी को, इसीलिए जनता हमको उतार होकर हमको चुनाव लड़ने में मजबूर कर दिया। सर, सेवा किए हैं जनता को, जनता सेवा जरूर हमको देंगे। कोरोना काल में जो हमने सेवा दिए, रात दिन भोजन भी नहीं करते थे, रात दिन हम कोरोना काल में सेवा ही की सेवा करते थे, उसको सेवा का फल अवश्य देगा हमको जनता। अच्छा, तो पंचायत चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवारों के खास उद्देश्य होता है, इस वक्त आप किस उद्देश्य के साथ? सर, मेरा ये उद्देश्य है, अगर हम जीत के आते हैं इस पंचायत में, सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि मेरे गांव में आप आते होंगे, अगर एक भी बरसात हो जाता है तो भर टोना पानी लग जाता है। और अभी तक जो मुखिया जो बने हैं, जो पहले मुखिया थे, अभी तक कोई योजना नहीं चला है यहाँ पर। हमारे यहाँ नाला है न कुछ है, जो नल जल योजना चला है उसमें अभी तक कहीं खराब है तो कहीं पानी चल रहा है, समझे। लगभग हमारे यहाँ 4 वार्ड है जिसमें 1 वार्ड में पानी आता है और 4 वार्ड में अभी तक खराब है। अभी तक पानी देखिए, आपके सामने में लगा हुआ है नल जल, अभी तक कभी भी पानी नहीं आया इसमें। हम अगर जीत के आते तो सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि इसको हम सुधार पर लाएंगे। यानी जो भी काम जो निवर्तमान मुखिया के द्वारा आधा अधूरा रह गया उसको पूरा करेंगे। हाँ, जो वर्तमान मुखिया के द्वारा अधूरा रह गया है उसको हम पूरा करेंगे। अच्छा, आपकी पत्नी मुखिया की प्रत्याशी है, क्या नाम है उनका? उसका नाम मनीषा कुमारी है जी। क्या चुनाव चिन्ह है उसका? चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, जो क्रमांक 6 पर है। आपको तो बता ही दिए कि हम एक ग्रामीण चिकित्सक हैं और मेरा घर घर जाना मेरा उद्देश्य है, और हम इलाज भी करते हैं, तो हम घर घर जाते हैं और उसी समय अपना वोट भी मांगते हैं और पेशेंट को इलाज भी करते हैं। और मैं हमको लिए रात दिन गेट खुला रहता है, हमको जाने में कोई कुताहिर नहीं है। सर, मेरे तरफ से अगर हम पब्लिक के आप सामने में खाने के समय में चले गए हैं होंगे या सोने के समय में चले गए हैं, जो हमसे गलती हुई है, जो हमसे भूल है, उससे हम क्षमा मांगते हैं और मतदाता लोग हम पर मदद करेंगे और वही करेंगे जो करेंगे। दादा मालिक से यही अपील करना चाहते हैं कि और आज से मेरा प्रचार प्रसार थम गया है और हम घर घर जाकर मतदाता नजदीक अपना निवेदन करते हैं कि अपना एक महबूल वोट बैगन छाप पर देकर भारी मतों से हमको विजय बना दें।